हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद हो कि आप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज हम जानेंगे अच्छे कामों में माल खर्च करने का सवाब। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो लोग रात और दिन में छुपे जाहिर हर जब भी मौका मिले अपने माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उनके खर्च करने का सवाब उनके रब के यहाँ उनको मिलेगा और कयामत के दिन ना उनको कोई खौफ होगा और ना कोई गम देखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक दरहम खैरात करना उससे अच्छा है। मरने के बाद 100 दरहम खैरात किए जाएंगे। फ़ायदा इस हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अगर कोई मर्द हो या औरत अपनी ज़िंदगी में 1 रुपया अल्लाह की राह में ज़रूरत की जगह खर्च करे तो यह ज़्यादा अच्छा मुफाइद है। उससे मरने के बाद 100 रुपये खर्च का सवाब मिलेगा। रहमत दो इल्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो मुसलमान किसी गरीब मुसलमान को कपड़ा पहनाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के संबरसेम के कपड़े पहनाएंगे और जो मुसलमान किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के मेवे खिलाएगा और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत की शराब पिलाएगा। इरशाद फरमाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के 7 चीज़ें ऐसी है कि उनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। वे ये है दीन का इल्म सिखाने वालों की रुपए वगैरह से मदद और खिदमत करने के बेफिक्र से पढ़ाते सिखाते रहे। जरूरत की जगह कुआ बनाना, जरूरत की जगह मस्जिद बनाना, दरखत लगवाना लोग आराम करें, किसी गरीब मुसलमान के लिए रहने के लिए मकान बनवा देना या मुसाफिर खाना बनवा देना, मुसाफिरों को आराम मिले। कुरान हदीस में तफसीर दीन के मसलों की किताबें छोड़ जाना या किसी ज़रूरतमंद को खरीद कर ये दे देना। नेक औलाद छोड़ जाना, दीनी मदरसे पुल वगैरह बनवा देना, ऐसे कामों में चंदा देना सब सदका जारी ये कहलाता है। मुसलमान भाई और बहनों, गरीब लोगों की जान से माल से मदद और खिदमत करना, उनकी हाजत पूरी करना, आलिम और तालिब आलिमों की खिदमत और मदद करना बहुत ही आसान अमल है। भूखों का पेट भरना, प्यासों को पानी पिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, भूले हुए को रास्ता बतलाना, ये सब बेहतरीन अमल और अच्छी कमाई है। मरने के बाद ये कमाई काम आएगी। हदीस शरीफ में का ये अर्ज अजम नीचे ये 3 बातें लिखी हुई है। अल्लाह एक है, मखलूक गुनहगार है। नफ़ा उस आदमी को है जो अल्लाह का दिया हुआ माल मरने से पहले उसकी राह में खर्च कर दे और उसको आखिरत में निजात का जर्रा बनाए। और नुकसान उस आदमी को है जिसने खाया ना पिया और ना उसकी राह में दिया और सब छाड़ कर मर गया। मालूम ना होना चाहिए कि अपना माल रुपए पैसे कपड़ा वगैरह ऐसे लोगों को देना अफजल है कि जो बुजुर्ग हो और दीनदार हो, जो नमाज रोजे के पाबंद हो और शर्म हया से मांगते ना हो। बाकी ज़रूरत के मौके पर हर हाजित मंद गरीब की और मोहताज की खिदमत करना बहुत ही बड़ा सवाब है। चाहिए वे मोहताज हो या गरीब गैर मुस्लिम हो, सबकी मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, तो यही मैंने पढ़ा। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना।